आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लाइफ स्टाइल, खाना पीना और दिमाग पर टेंशन, इसी के कारण हमारी आंतों में पेट का अल्सर हो जाता है। इसी गैस्ट्रिक और पेट को पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। आज हम इसी गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में बात करेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर किसे कहते हैं, इसके लक्षण, यदि आपको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हो रही हो तो क्या करें, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। चलिए बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। नॉर्मल भाषा में इसको गैस बनना भी कहते हैं। स्टोमक में होने वाले घाव या अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसमें एब्डोमन मतलब पेट के अंदर गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है और पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द होने लगता है। इसे गैस्ट्रिक अल्सर या आम भाषा में पेट में गैस बनना भी बोलते हैं इसको। गैस्ट्रिक अल्सर बनता कैसे है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, जो भी खाना आप खाते हैं मुंह के द्वारा एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से स्टोमक में जाता है। खाना स्टोमक के अंदर लगभग 3 घंटे तक रहता है और वहां इस फूड की मिक्सिंग होती है और फूड का डाइजेशन होता है। स्टोमक का क्या काम होता है, स्टोमक की जो बॉल होती है उसमें एक एसिड निकलता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। स्टोमक की बाल से ये एसिड फूड के अंदर जाता है, फूड को ये डाइजेस्ट करता है। कुछ लोगों में ये एसिड कुछ ज्यादा क्वांटिटी में निकल जाता है और ये स्टोमक की बाल में मतलब कुछ एरिया के अंदर ये अल्सर बना देता है। इसी को गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या गैस बनना भी नॉर्मल भाषा में से कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के लक्षणों के बारे में। इसमें पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होता है जिसे एपिगैस्ट्रिक एरिया बोलते हैं। इसमें खाना खाने के बाद पेट में बहुत तेज दर्द होता है। ये दर्द खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी होने लगता है। पेट में सूजन, सीने में जलन एवं गैस बहुत ज्यादा बनने लगती है जिसके कारण पेट फूलने लगता है। इसमें नोज या वोमिटिंग की शिकायत भी होने लगती है जो कि सुबह के समय ज्यादा महसूस होती है। इसमें खट्टी डकार आने लगती है मतलब रिफ्लेक्स होने लगता है जिसके कारण मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है। इसमें डकार बहुत ज्यादा आती है, किसी किसी मरीज को तो 1-1 घंटे तक डकार आती रहती है। इसमें भूख बहुत कम लगती है जिसके कारण वजन भी बहुत कम होने लगता है। कभी कभी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने के कारण उल्टी के साथ साथ खून भी आने लगता है। गैस्ट्रिक अल्सर के कारणों के बारे में बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर होने का सबसे बड़ा कारण होता है टेंशन, नर्वसनेस। जो लोग बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर डालते हैं उन्हें अल्सर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग भी स्टमक की एसिडिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यदि आप रेगुलरली ड्रिंकिंग करते हैं मतलब रोज शराब पीते हैं तो आपको स्टमक में अल्सर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। यदि आप 1-2 बार हफ्ते में ड्रिंकिंग करते हैं तो कोई बात नहीं। आपको एंजाइम का एक्टिवेशन ना होना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। ज्यादा मात्रा में पेन किलर यूज करना जिसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक एस्पिरिन या स्टेरॉइड ड्रग का यूज करने से भी अल्सर होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। होली को बैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से भी स्टोमक में अल्सर होने लगते हैं। यदि आपको गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत हो भी रही हो तो क्या करें, यदि आपको गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत हो भी रही है तो घबराएं नहीं, आप गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर से मिले मतलब जो पेट का डॉक्टर होता है उससे मिले। वह कंफर्म करने के लिए कुछ और टेस्ट के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं जैसे इंडोस्कोपी एवं ब्लड टेस्ट, यूरिया ब्लड टेस्ट एवं स्टूल टेस्ट के लिए एडवाइस कर सकते हैं। आप कैसे बच सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि हम गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है तो हम उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। शराब, धूम्रपान, दर्द निवारक दवाएं, नॉन स्टेरॉइड दवाएं से परहेज करके हम गैस्ट्रिक अल्सर को दूर कर सकते हैं। होली को बैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया से बचाव के लिए दूषित खाना, दूषित पानी के साथ साथ स्वच्छता का ध्यान रखें। खाना खाने से पहले एंटीसेप्टिक साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। किसी भी तरह की टेंशन ना लें, वैसे भी बीमार व्यक्ति को किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना चाहिए। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, जब भी पानी पिए बैठकर पिए। खुश रहने से तो अच्छी अच्छी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।